या आपका वजन ज्यादा है या आप थोड़े मोटे हैं, आपको या आपके परिवार में किसी को शुगर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा शुगर क्या है, किन लोगों में शुगर होने की संभावना ज्यादा रहती है, शुगर कितने प्रकार की है, शुगर मुझे है ये कैसे पता चले, और जो शुगर से पहले वाली स्टेज होती है जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं वो क्या है, और उनका टेस्ट पे कैसे पता लगता है, और क्या हम ऐसा करें कि हम उसे प्री डायबिटीज स्टेज से वापस नॉर्मल ही कर लें और शुगर की स्टेज तक पहुंच ही ना पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप ये सब कुछ समझ पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से हम शुगर के बारे में समझते हैं और अपनी आज की लर्निंग शुरू करते हैं। शुगर या मधुमेह, जैसा कि आप जानते हैं, जिसको हम साधारणतः डायबिटीज कहते हैं, ये डायबिटीज क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, किन लोगों को होने की इसकी संभावना ज्यादा है, सबसे कॉमन कैसे पता लगता है लोगों को उनको शुगर है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, प्री डायबिटीज क्या है, इसकी प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं और इसका आगे का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। व्हाट इज डायबिटीज, शुगर क्या है? शुगर एक जीवन शैली से होने वाली बीमारी है जो बहुत ज्यादा दिनों तक आपके शरीर में जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से आपको होती है। ये ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ये ब्लड शुगर इसलिए बढ़ता है, या तो आप इनटेक खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या दूसरा कुछ जो शुगर को नियंत्रण करने वाले हार्मोन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हार्मोन शुगर को कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो शरीर में शुगर को कम करता है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पेंक्रियाज से बनता है, और जब शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा होती है तो ये इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, और दूसरे ऑर्गन्स को और मांसपेशियों को ये एक हिसाब से संदेश देता है कि इसको अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रहे और थोड़ा कम हो जाए। अब होता क्या है कि इंसुलिन या तो अच्छे से बन नहीं रहा या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है हमारे अंगों में, जहां जहां पे इंसुलिन काम करके वो ब्लड ग्लूकोज पहुंचा रहा था, तो जिसकी वजह से अब इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए ब्लड शुगर उन ऑर्गन्स के अंदर अच्छे से जा नहीं पा रहा और वो ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में है, और इसी की वजह से ही हमारे जो अंगों में प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से नसें, चाहे वो आर्टरीज हों या हमारे हम कहीं दूसरी जो तंत्रिकाएं हैं जो हमारे दिमाग से मैसेज लेके सिग्नल्स लेके जाती हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाता है, और इसी की वजह से इसके कॉम्प्लिकेशन लगभग हर अंग में देखने को मिलते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा दिन तक अनियंत्रित रहे या बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे, और ये इतने ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं कि आपके सब अंगों को ये नुकसान पहुंचाकर ये मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर भी कर सकता है और जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। ये अंगों को बहुत घातक तरीके से नुकसान पहुंचाता है, और क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट है वो छोटी नसें, हम कहें कैपिलरीज या ब्लड वेसल जो हर ऑर्गन में खून पहुंचा रहे हैं उसमें या नर्व्स पे होता है, इनको ये नुकसान पहुंचाता है, तो ये शरीर में हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, चाहे आपको किडनी हो, चाहे वो आपका ब्रेन हो, आपका लिवर हो, आपके सॉफ्ट टिश्यूज हो, आपकी आंखें हो, आपका नाक हो, आपके साइनसेस हो, और इसलिए जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो हमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन भी काफी लोगों को होता है, और कुछ लोगों को तो ये जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है इन्हीं से ही पता लगता है क्या उनको शुगर तो नहीं है। अब बात करते हैं कि शुगर कितने प्रकार की होती है। शुगर और डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो सबसे कॉमन है, ये ज्यादातर लोगों में 30-35 साल के बाद आती है, और उसके बाद उनका वजन बढ़ने लगता है और उनके अंदर जो शुगर है वो अनियंत्रित मात्रा में उनके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। इसका
ज्यादातर कारण यही होता है कि जो पेंक्रियाज इंसुलिन बना पा रहा है वो या तो सही अमाउंट में नहीं बन पा रहा जितनी हमें जरूरत है, या ज्यादातर लोगों में जो इंसुलिन बन रहा है वो अंगों पे उसका रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करता। इसको हम Type 2 डायबिटीज कहते हैं। आजकल जो जीवन शैली की हमारी आदतें हैं वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं, इसलिए अब ये समस्या जो पहले 35-40 साल पे हमें दिखती थी वो अब हमें 20-25 साल पर भी देखने को मिल जाती हैं। और इससे यही हमें समझने को मिलता है कि हमें अपनी जीवन शैली को जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं Type 1 डायबिटीज की। Type 1 डायबिटीज और शुगर वो शुगर है जिसके अंदर हमें जो ये शुगर के सिम्टम्स या शुगर की दिक्कत है वो बहुत जल्दी आने लग जाती है। ये लगभग हमें बचपन में ही पता लग जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज होते हैं जहाँ पे इंसुलिन बनता है वो किसी कारण से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे शरीर में पेंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बनना चाहिए बीटा सेल से वो नहीं बन पाता। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ऐसा होता है कि बीटा सेल सारे नष्ट हो जाते हैं और इंसुलिन नहीं बन रहा। जब इंसुलिन नहीं बन रहा तो हमारा शरीर के अंदर फिर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी डायबिटीज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, उसके बिना हम इसको शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये वाली जो डायबिटीज़ होती है इसको हम Type 1 डायबिटीज़ बोलते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। हालांकि जो Type 2 जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती और शुरू में बिल्कुल नहीं पड़ती। हालांकि अगर लंबे समय तक वो बीमारी चले तो उसके अंदर भी इंसुलिन डिपेंडेंस और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है और बढ़ जाती है। वहीं बात करें हम तीसरी टाइप की डायबिटीज की, जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज। जो डायबिटीज हमें गर्भावस्था के समय होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। और कुछ महिलाओं में इसकी आशंका थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे कि जिनके परिवार में एक फैमिली हिस्ट्री है तो उनके अंदर भी संभावना ज्यादा होती है। और इनके अंदर ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद वापस शुगर कंट्रोल में आ जाती है। हालांकि आने वाले जीवन में उनको वापस शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो उन्हें अपना टेस्ट प्रेगनेंसी जैसे ही उनका डिलीवरी हुआ है उसके 5 से 6 हफ्ते बाद, 1.5 महीने बाद वापस जरूर करा लेना चाहिए कि वो नियंत्रित हो गई है कि नहीं, वापस नॉर्मल आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो अपने डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसके बाद हम बात करते हैं किन लोगों को शुगर होने की संभावना ज्यादा है। तो जिन लोग जिनका वजन ज्यादा है, जिनका BMI 25 से ज्यादा है, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, तो उनमें शुगर होने की संभावना ज्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स से हमें पता लगता है कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए। नॉर्मल BMI जो है वो 18.5 से लेके 24.9 तक होता है। BMI निकालना काफी आसान है, इसके लिए आप एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी हाइट इन मीटर्स और आपका वजन जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। BMI होता है आपका वजन और वजन डिवाइडेड बाई आपकी हाइट इन मीटर स्क्वायर, मतलब कि आपका वेट मान लो 60 किलो है और आपकी हाइट अगर 1.2 मीटर्स है तो आपका BMI होगा 60 डिवाइडेड बाई 1.2 × 1.2। इससे जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने देखना है, वो अगर 18.5 से 25 की रेंज में है तो वो नॉर्मल BMI है, लेस देन 18.5 है तो आप अंडर वेट हैं। 25 to 29.9, 25 से 29.9 तक आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और 30 से 34.9 तक आप मोटापे की कैटेगरी में आते हैं, और अगर 35 से भी ज्यादा है तो वो मॉर्बिडली ओबीज की कैटेगरी होती है कि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो ये हो गया BMI का। इसके लिए भी मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन लोग हैं जिनके अंदर शुगर होने की संभावना ज्यादा है। जिसकी उम्र 45 से ज्यादा है वो, या ऐसी वुमेन्स जिनके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जिनको शुगर हुआ, या जिनको
हमने टेस्ट कराया कोई ब्लड का, उसके अंदर वो प्री डायबिटीज है, मतलब कि डायबिटीज से पहले वाली श्रेणी में है, उनको शुगर होने की संभावना ज्यादा है, या कुछ और भी एडिशनल रिस्क फैक्टर होते हैं जो शुगर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके अंदर ज्यादा है, आपकी जो जीवन शैली है वो उसके अंदर आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ही कम है, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, कुछ महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है जिनकी वजह से उनको पीरियड्स में भी इरेगुलरिटी हो जाती है और वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनके अंदर भी डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो आपके अंदर भी शुगर होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, किसी इवन क्लोज रिलेटिव को भी है, तो भी आप में शुगर होने की संभावना ज्यादा है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फैमिली हिस्ट्री शुगर में क्यों इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री शुगर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसा खान पान कर रहे हैं आपका परिवार भी लगभग वैसा ही खान पान कर रहा है और आपकी आदतें लगभग आपके परिवार की आदतों जैसी ही हैं। ये 99% तक सिमिलर ही रहती हैं अंटिल अनलेस आपने कुछ बदलाव ना किया हो। इसलिए जिनको शुगर है, शुगर इसलिए एक पारिवारिक बीमारी हो गई है क्योंकि खाने पीने का पैटर्न जो आपके परिवार में सेटल हो गया है, आप उससे अपने आप को बदल नहीं पाते, तो आपको भी शुगर होती ही है क्योंकि आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, लाइफस्टाइल जैसा आपका और आपके परिवार का एक जैसा ही है, तो अगर उनको शुगर है तो आपको भी शुगर होगी ही, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फैमिली हिस्ट्री को ठीक कर दें तो आज से ही अपने अंदर सुधार करें, अपने खाने पीने के पैटर्न को बदलें, एक्सरसाइज करना शुरू करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन डायबिटीज का कि आपको डायबिटीज पता कैसे लगती है। ज्यादातर लोग अपना कोई हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, किसी और कारण से उन्होंने शुगर का टेस्ट कराया, या उनको कोई कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हम कहें कि कहीं इन्फेक्शन हो गया, कोई फोड़ा हो गया, कोई फुंसी हो गई, या लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, या हम कहें साइनसिस में कोई ऐसा इन्फेक्शन, आई ईयर में कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसके लिए वो डॉक्टर को दिखाने गया, तब उन्होंने टेस्ट कराया तो पता लगा इनको शुगर है, या आपने ऐसी कोई हेल्थ पैकेज कराया उसके अंदर आपको पता लगा कि आपको शुगर है, या आप किसी के साथ गए और आपने वैसे ही टेस्ट करा लिया और आपको पता लगा आपका ब्लड शुगर थोड़ा ज्यादा है, और डिटेल में पता करने के बाद आपको पता लगा कि आपको शुगर है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आजकल जो हम देख रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है उन्हें शुगर है, और स्पेशली इंडिया में ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम थोड़ा परहेज भी करते हैं टेस्ट कराने से, और इवन मैंने लोगों को तो ये कि ऐसा भी कहते हुए, और उनकी सोच इस प्रकार की है कि टेस्ट कराने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो ये जो धारणा है गलत है। इसका मतलब आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपका अपने खान पान और अपने कार्य जैसे आप कर रहे हैं उसके ऊपर ही विश्वास नहीं है। आप अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहे और आप अच्छे से कार्य नहीं कर रहे, आपकी जितनी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब आप खुद भी मानते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी आएगी। इस मेंटेलिटी को भी हमें जल्द से जल्द बदलना चाहिए कि हम टेस्ट से डरे नहीं, हालांकि हम कहें कि हाँ मेरा टेस्ट करा लो, मेरे अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको मेंटेन कर रखा है, और बहुत जल्दी ऐसा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर साल में आप एक बार टेस्ट कराते हैं और आप ठीक हैं तो फिर आपको उसे बार बार कराने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या लक्षण हैं, किस सिम्टम के साथ मरीज हमारे पास आता है। तो ये तो आजकल के जो सिम्टम्स है वो तो हमने आपको बताया है कि ज्यादातर लोग कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, या उन्होंने कोई टेस्ट कराया तो उनसे उन्हें पता लगा कि मुझे शुगर है, तो उन्हें पता लगा तो वो उससे आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को ये दिक्कतें हैं तो उनमें भी शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जैसे कि बहुत ज्यादा पेशाब आना। देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुने, बहुत ज्यादा पेशाब आना, बार बार पेशाब जाना मैंने नहीं कहा, बार बार पेशाब जाना भी एक कारण हो सकता है, लेकिन बार बार पेशाब जाना और उसमें उतना पेशाब नहीं करना जितना होना चाहिए था, वो यूरिन इन्फेक्शन से भी हो सकता है। उसके बाद बहुत ज्यादा प्यास लगना, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है,
अब एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो समझने की है, ये है कि आप पेशाब भी ज्यादा कर रहे हैं, आप पानी भी ज्यादा पी रहे हैं, आपको भूख भी ज्यादा लग रही है, इसके बावजूद आपका वजन घट रहा है या आप कमजोरी महसूस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खाना ज्यादा खा रहे हैं, पेशाब ज्यादा जा रहे हैं, पानी ज्यादा पी रहे हैं, इसके बावजूद आपका वजन घट रहा है या आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या ज्यादातर लोग किसी न किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आते हैं, जैसे कि किसी अंग में कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं फोड़ा हो गया, कहीं INT कोई प्रॉब्लम उनको हुई, या किसी नस में उनको बदलाव आने लगे कि सुनपना रहता है, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, ऐसे कीड़ी सी चल रही है ऐसे मुझे पता लगता है, तो ये भी शुगर की कुछ सिम्टम्स हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो ठीक ही नहीं होते, कितनी मर्जी दवाई ले लें, तो जिनको हम नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर ब्लड वेसल जा रहे थे वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गए और वहाँ खून अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए वहाँ का जो टिश्यू है वो डेड हो जाता है और वो अल्सर्स की है वो हीलिंग नहीं हो पा रही। ऐसे ऐसी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट शुगर वाले प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कैसे पता लगे कि मुझे शुगर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुगर पता करने का तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम ब्लड की जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं कि आपके खून में शुगर कितना है, और जो ये खून की जांच है ये किस प्रकार से होती है मैं बताता हूँ। फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट जो आप ब्लड शुगर करा रहे हैं उसमें क्या मात्रा आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग ब्लड शुगर भी आप समझ लें, फास्टिंग ब्लड शुगर में कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। सुबह उठ के खाली पेट आपने ये टेस्ट अपनी, अगर आप मशीन पे कर रहे हैं तो करें, या आप डॉक्टर के पास जाके या किसी लैब में कराना चाह रहे हैं तो करा सकते हैं। पानी आप पी सकते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई चाय कॉफी या कोई ऐसी चीज नहीं लेनी जिससे आपके शरीर को कोई एनर्जी मिल रही है। अगर ऐसी कोई चीज लेते हैं तो फिर ये वैल्यूज गलत हो सकती हैं और फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा कराने का। इसलिए अगर आपको खाली पेट खून की जांच करानी है शुगर के लिए, तो उसमें कम से कम 8-10 घंटे की फास्टिंग के बाद ही कराएं। तो जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करते हैं, तो अगर वो 100 mg/dL से कम है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो 100 से 125 की रेंज में है तो ये प्री डायबिटिक रेंज है। शुगर से होने वाली पहले की जो स्थिति है उसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं। नॉर्मल क्या है, जो 100 से नीचे है। अगर आपका 100 से 125 की रेंज में आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक श्रेणी में आ जाते हैं, और अगर आपका 125 से भी ऊपर फास्टिंग ब्लड शुगर आ रहा है तो आपको शुगर है। और जब भी आप फास्टिंग ब्लड शुगर करा रहे हैं उसमें हमेशा हमारी 2 सेपरेट बार जो हमने टेस्ट किए हैं उनकी वैल्यूज अगर बढ़ी हुई है तो ही हम इसे डायग्नोस्टिक मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या टेस्ट हैं जिनसे हमें पता लग जाए कि मुझे शुगर है कि नहीं। अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर 200 mg/dL से ऊपर आ रहा है तो वो भी शुगर को दर्शाता है। रैंडम मतलब दिन के किसी भी वक्त हमने आपका ब्लड सैंपल लिया और उस वक्त जो शुगर आई वो 200 mg/dL से ज्यादा है। इसमें आपने अभी खाना खाया है या आपको 1-2 घंटे हो गए, ऐसा कोई भी बाउंड्री नहीं है। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं जो कि बहुत अच्छा है और बहुत सटीक भी है, वो है आपका HbA1c लेवल। HbA1c लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके 3 महीने की शुगर के लेवल को ये दर्शाता है। आपका इमीडिएट जो खाने पीने का अगर कोई ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसको ये आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं करता। जो हमारी RBC होती हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, उसके उसका अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन का पर्पस होता है हमारे ऑक्सीजन को लंग से ले जाकर टिश्यूज में देना। अब ये जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है, जब इसके हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस ज़्यादा शुगर की वजह से जो हीमोग्लोबिन में बदलाव आते हैं, उन बदलावों को हम जब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बदलाव कितने परसेंट आए हैं। अगर ये 5.7% से कम है तो आप नॉर्मल हैं, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 5.7 से 6.4% तक है
तब आप प्री डायबिटिक श्रेणी में हैं, शुगर से पहले वाली श्रेणी में हैं, और अगर ये 6.5 से ज्यादा है तो आपको शुगर है, ये कंफर्म कर देता है। इसके अलावा जो टेस्ट ये आपको बताता है कि आपको शुगर है कि नहीं, वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम OGTT भी बोलते हैं। OGTT टेस्ट जो है वो हमारे हम प्रेगनेंसी के अंदर भी जो लेडीज होती हैं उनके अंदर काफी बार करके देखते हैं कि उनको शुगर, जो हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना तो नहीं है। इस टेस्ट के अंदर ये टेस्ट भी खाली पेट होता है। इसमें आप पहले एक खाली पेट का सैंपल देते हैं, उसके बाद तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज आपको पानी में मिलाकर पिलाया जाता है, और आप हर 30 मिनट में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, और जो लास्ट सैंपल होता है वो 2 घंटे पे आपका लिया जाता है। 2 घंटे के बाद जो आपकी शुगर आई है वो 140 से कम है, तो आप नॉर्मल हैं, आपकी शुगर ज़्यादा नहीं है। अगर वो 140 से 199 तक है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर वो 200 से ज़्यादा है तो आपको शुगर है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन लोगों को शुगर है और किन लोगों को नहीं। टेस्ट हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c जो आपके 3 महीने की शुगर को बताता है, और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और रैंडम ब्लड ग्लूकोज तो थोड़े सस्ते टेस्ट हैं, लेकिन अगर आप HbA1c देखते हैं या OGTT देखते हैं तो इनमें थोड़ी कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है। हालांकि HbA1c ज्यादा अच्छा टेस्ट है, क्योंकि वो आपके 3 महीने की शुगर का लेवल्स कैसे चल रहे थे उसके बारे में बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्री डायबिटीज की। प्री डायबिटीज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर अभी समझाया क्राइटेरिया, प्री डायबिटीज का क्राइटेरिया है कि ब्लड शुगर जो आपने चेक किया है फास्टिंग ब्लड शुगर, वो अगर आपका ज्यादा है 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, या आपका HbA1c 5.72 6.4% है, तो आप प्री डायबिटिक की रेंज में आते हैं, या आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है उसके अंदर जो आपका रिजल्ट आया है 142-199 की रेंज में है, तो भी आप प्री डायबिटिक हैं। इसके बाद हम बात करें अगर कोई प्री डायबिटीज की रेंज में है तो उसे क्या करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्री डायबिटीज की रेंज में है उसे अपने जीवन शैली को तुरंत सुधार लेना चाहिए। जीवन शैली को सुधारने के लिए आप अपने खाने पीने पे नियंत्रण लाएं, आप नियंत्रित मात्रा में भोजन करें, आप जंक फूड को बिल्कुल बंद कर दें। जितनी फाइबरस और बैलेंस डाइट आप लेंगे उस वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगी। बैलेंस डाइट के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आप अपनी डाइट को कैसे अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपना जो भी एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको जितना मिनिमल या बंद कर देंगे वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। धूम्रपान बिल्कुल ना करें, और अल्कोहल जैसी चीज़ें अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उनको भी बंद कर दें। तो इन सब के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज प्रणाली, जो आपकी मुझे लगता है कि काफ़ी कम या ना के बराबर होगी, उसको बढ़ाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। काफ़ी रिसर्च में हमें पता लगा है कि अगर हम अपना वजन घटाते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और अगर हम ये अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस और वजन घटाते हैं तो हम अपना जो Type 2 डायबिटीज होने की संभावना है उसे कई बार 58% तक भी कम कर लेते हैं। कैसे? अपने शरीर का वजन घटाएं, टारगेट रखें 7 से 10%, जो भी आपका प्रेजेंट वजन है उसको आप घटा लें। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट आप डेली किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, टहलना कोई ज़्यादा खास एक्सरसाइज नहीं होती। टहलने के अलावा अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो ही वो कोई एक्टिविटी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी मैं तो घूम कर आता हूँ। हाँ, जो व्यक्ति बिल्कुल घर में बैठा था अगर वो घूमना भी शुरू करता है उसके लिए हम कह सकते हैं वो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति घूम रहा है, पहले भी घूमने टहलने जाता था और अब उसको शुगर की दिक्कत है, तो उसे अपनी वो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या जितने किलोमीटर मान लो 2 किलोमीटर पहले घूम रहा था तो अपने किलोमीटर्स अब उसे बढ़ाने पड़ेंगे, 2 की जगह उसने अब धीरे धीरे उनको 5 पर ले आया है, तो उसको फायदा होगा।
आप कोशिश करें, आपका जितना वजन घटेगा, चाहे आपका, मैं कहता हूँ 1-2% भी वजन घट रहा है, जितना वजन घटेगा आपके शरीर के उतना फायदा होगा, आपकी शुगर इतनी कंट्रोल में आ जाएगी। BMI मैंने आपको पहले ही बता दिया है और उससे आपको ये पता लग ही जाएगा कि आपका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए और आपका इस वक्त कितना वेट एक्सेस में है। तो आप जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो उसको घटा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन ना करें कि मेरा वज़न घट रहा है। आप वज़न घटाकर अपनी बीमारी भी ठीक कर रहे हैं इस वक्त, ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। कुछ लोगों के ये होता है कि मैं वज़न घटा लूँगा तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। आप अपना वज़न घटा लेंगे, ज़्यादा वज़न की वजह से ही आपको ये बीमारी हुई है। अपना वज़न नियंत्रित कर लेंगे तो आप प्री डायबिटीज से बच जाएंगे और डायबिटीज से भी बचेंगे। तो इसको कृपया अच्छे से समझ लें। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए क्या करें? प्रिवेंशन का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लाइफस्टाइल मेजर्स। अपने जीवन शैली के अंदर सुधार लाएं। अगर आप अपने जीवन शैली के अंदर सुधार नहीं ला सकते तो आपको इसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने जीवन शैली के अंदर क्या सुधार लाने हैं? आपको एक अपना हेल्दी वेट है वो मेंटेन करना है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप वजन घटाने के लिए आज से ही काम करें, अपने खाने पीने पे नियंत्रण लगाएं, आप अपनी स्मोकिंग को बंद करें, अल्कोहल को बंद करें, एक बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ आप जो भी ऐसी पदार्थ हैं जो कि आपकी शुगर को इमिजिएटली बढ़ाते हैं, उनको तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे कि कोई भी मीठा पदार्थ, चीनी, या चीनी किसी भी चीज़ में है तो वो आपको बंद कर देनी चाहिए। चाहे वो केक्स हैं आपके, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, तो इनको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आप ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर मीठी चीज़ें कम हैं। आपको मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूं, जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, या कोई चिकना पदार्थ हो, फैट हो, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म हैं जो उसे हमारी बॉडी की जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, शुगर, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, उसमें बदल सकते हैं और इतनी क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि मैंने तो शुगर खाना बंद कर दिया है तो मेरी शुगर नियंत्रण में आ जानी चाहिए, और वो शुगर बंद करके दूसरा खाना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और समस्या यहीं पर है। आप जो भी खाएंगे, चाहे फैट खाएं, चाहे प्रोटीन खाएं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, आपके बॉडी में वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे मैकेनिज्म आपकी बॉडी में उपलब्ध हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपने शुगर खाना बंद कर दिया तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। आपको अपना दूसरा खाना भी नियंत्रित करना है, क्योंकि शुगर के अंदर तो बीमारी ही यहीं पर है कि आप जो एक्सेस में खाना खा रहे हैं, या आप जो मोटे हैं, या आपका वजन ज्यादा है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी जो आपके शरीर में इतना फैट जमा हो रखा है, जो एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी में है, वो बैलेंस नहीं हो पा रही, और इसकी वजह से आपका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। रेजिस्टेंस प्लस आपकी जो फूड एक्टिविटी और लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, तो लाइफस्टाइल हैबिट, जीवन शैली को बदलना इसमें अति अनिवार्य है। इस बात को समझें और आज से ही उस पर काम करें। अगर आप किसी भी श्रेणी की डायबिटीज में हैं, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो, उन सबके अंदर अगर आप अपनी जीवन शैली सुधारते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपकी दवाइयाँ घट भी सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं। परंतु हमें गोली से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया है, हम गोली खाना पसंद करते हैं, हम काम करना या जिस चीज़ से हमको वो गोली ना खानी पड़े ऐसे काम नहीं करते। तो चॉइस हमेशा आपके पास रहेगी। वहीं बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है? इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है शुगर का, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, जीवन शैली की जो आप बदलाव कर रहे हैं, उसे 1-2-3, 1-2 महीने के लिए नहीं, उसे आपको पूरे जीवन भर करना पड़ेगा, उसे आजीवन अपनाना पड़ेगा, तभी ही आप दवाइयों से दूर रह सकते हैं और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।
और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के तुरंत बाद ही आपको टेस्ट नहीं कराना। अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है कि आपको अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाने हैं वो करते हैं, उसके अगर 2-3 महीने बाद आप वापस टेस्ट कराएं, स्पेशली HbA1c जरूर कराएं, और वो अगर आपका घट रहा है तो इसका मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं उनका फायदा हो रहा है। तो जितना अब आप उस रेंज में हैं और जितना आपको ठीक करना है, इससे आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे मुझे कितना और बढ़ाना है, चाहे वो आपकी एक्टिविटी लेवल हो जिसे आपको बढ़ाना हो, या चाहे आपको अपने खाने का जो पैटर्न है उसे और कंट्रोल करना हो। क्योंकि दो ही चीजें हैं जिन्हें हमें संभालना है, एक कितनी मात्रा में कितनी कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही हैं जो शुगर बनाएंगी, एक चीज हो गई ये, और दूसरी कितना हम काम करें जिससे जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी में गया है या जो हमारे फैट के रूप में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल पाएं। तो ये दोनों ही बैलेंस अगर बनाते हैं, खाने पीने की प्रक्रिया को आपने संभाल लिया और आपने अपनी एक्सरसाइज लेवल को भी डेली बढ़ा दिया, तो आपको जल्दी ही अचीवमेंट ये मिल जाएगी कि आपकी शुगर अब कंट्रोल हो गई है, और अगर आप प्री डायबिटिक में हैं तो आप नॉर्मल आ गए हैं, और आपकी जो पहले कंट्रोल नहीं हो रही थी वो कंट्रोल हो गई, आपकी पहले ज्यादा दवाइयाँ चल रही थी तो अब आपको कम दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं और कम मात्रा में लेनी पड़ रही हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो मैंने आपको बताए हैं वो आप किसी प्रकार से अच्छे से नहीं करते हैं या उनका आपके ऊपर किसी भी कारण से इतना असर नहीं दिख रहा है, और अगर आपका शुगर बार बार बढ़ा हुआ आता है तो ये आपके अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर हिदायत दूंगा कि आप अपने निकटतम जो भी डॉक्टर हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनको जरूर दिखाएं जो डायबिटीज की दवाइयां देते हैं, और आप ऐसे डॉक्टर का चयन करें जो आपके घर के पास हो, क्योंकि इसकी जो हम कहते हैं दवाइयां चलती हैं उसके अंदर भी आपको कुछ उलटफेर करना पड़ सकता है, धीरे धीरे उनकी डोजेस कम या ज्यादा करनी पड़ सकती हैं। शुरू में एक बार आपकी जब हम दवाइयाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल्स और HbA1c लेवल कैसा चल रहा है उसके हिसाब से हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो आप अपने घर के पास जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलें और उनके संपर्क में हमेशा रहें कि कैसे आप और बेहतर हो सकते हैं, चाहे आप कोई मर्जी दवाइयाँ या इंसुलिन ले रहे हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर किसी टाइप ऑफ शुगर में कामयाब है और इनका बहुत ज्यादा फ्रूट मिलता है, इस चीज को आप कभी भी ना भूलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको शुगर के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां मिली होगी और काफी इंसाइट्स भी मिले होंगे जिनके ऊपर काम करके आप अपने या अपने परिवार गणों में अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको ये बताकर या उसे ये सामग्री भेजकर उनकी डायबिटीज को और ज्यादा अच्छे से सुधार सकते हैं और अपने या अपने परिवार को बचा सकते हैं कि आपके परिवार में किसी को शुगर ना हो। उसका पहले से ही आप अपने जो जीवन शैली को सुधारें, एक्सरसाइज करने की आदत डालें, खाना पीना ठीक करें। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं भी रुके हुए हैं, आपको कोई भी समस्या है, आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, तो वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, या इसके साथ ही आप जो भी इन वीडियोस से समझ पाते हैं, जो आपकी लर्निंग है, आपके कोई और सजेशंस या फीडबैक हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनको स्वयं पढ़ता हूँ और मैं जल्द ही उनका उत्तर दूंगा। और मुझे कुछ ऐसी क्वेरीज लगी जिनको एक और एलिब्रेशन की ज़रूरत है तो मैं उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी तुरंत आपको प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।